प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों की घोषणा करके एक बार फिर से बड़ा सियासी दांव चला है। गहलोत ने शुक्रवार को गौसेवा सम्मेलन में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर इन 3 जिलों की घोषणा की गई है, आगे भी और जिलों की घोषणा की जा सकती है। इधर 3 जिले बनने के बाद राजस्थान अब 53 जिलों का प्रदेश बन जाएगा। इससे पहले 17 मार्च को सीएम गहलोत ने 19 जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की थी। गहलोत ने कहा कि हमने जिले बनाने का फैसला सोच समझ कर लिया है। अगर छोटे राज्य और छोटे जिले बनेंगे तो उनमें विकास जल्दी होता है, गुड गवर्नेंस रहती है, जनता को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, नजदीक में ही जिला हेडक्वार्टर रहेंगे तो काम आसानी से होंगे। गहलोत ने पूर्व में कुचामन डीडवाना नाम से अलग जिला बनाया था, लेकिन अब कुचामन को डीडवाना से अलग करके नया जिला बनाने की घोषणा कर दी। वहीं टोंक से मालपुरा को अलग करके अलग जिला बनाया जा रहा है, तो वहीं दर सुजानगढ़ को चूरू से अलग करके अलग जिला बनाया जा रहा है। यानी कि अब राजस्थान में 3 और नए जिलों की घोषणा कल मुख्यमंत्री ने कर दी है। हमने कहा है, किया है।